सो हे क्रेशर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो गाइज, यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि सीजन एंड होने में बस 17 घंटे बचे हुए हैं। एंड यहाँ पर हमारे ट्रॉफीज आप लोग देखिए एक बार, 5846 ट्रॉफीज है हमारे पास। मैं क्या करूँ, ताली बजाऊँ, दूसरा वक्फा खत्म हो गया। एंड इतने सारे ट्रॉफीज हमने बस पुशिंग किया है भाई इसी आर्मी के साथ, सुपर आर्चर बीम विथ लावालून। तो काफ़ी ओपी काम कर रहा है भाई टाउन हॉल 15 पे। एंड इस आर्मी का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, तो ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एंड मैं किस तरह से अप्रोच रखता हूँ भाई, बेसिस में क्या देखता हूँ क्या नहीं देखता हूँ, सब कुछ बात करेंगे इस वाले वीडियो पे। तो भाई बस आप लोग को एक ही काम करना है, जितने ही बंदे भाई चैनल पे न्यू है, चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक लाइक कर देना है। तो भाई आइए करते हैं बेसिस पे बूम बाम, आइए देखते हैं। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला बेस आ चुका है। एंड बेस डिजाइन देख सकते हैं भाई, काफ़ी बढ़िया है। तो सबसे पहले इस आर्मी में आप लोगों को करना क्या होता है कि भीम को आपको एक प्रॉपर लोकेशन पे ड्रॉप करना होता है एंड वहाँ से अच्छा खासा वैल्यू निकालना पड़ता है। तो बेस में यहाँ पर देख सकते हैं कि तीन मल्टी टारगेट इन्फर्नो प्लस यहाँ पर पॉइजन टावर है एंड टाउन हॉल भी भाई मल्टी टारगेट इन्फर्नो जैसा ही काम करता है, उससे दो गुना ज़्यादा काम करता है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, भीम को इधर से ड्रॉप करेंगे। तो सबसे पहले तीन छः रूनस को यहाँ पर ड्रॉप किया एंड पीछे से भाई बैटल मशीन को कुछ इस तरह से ड्रॉप किया। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि बैटल मशीन को जो है मैंने बॉम्ब टावर के ऊपर ही भाई खोल दिया। एंड यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को इनविजिबल डालना है एंड फिर सेकेंड इनविजिबल डालने के बाद दो क्लोन स्पेल, देन रेज स्पेल एंड फिर से और एक इनविजिबल को डालना है। एंड इनविजिबल का टाइमिंग है 4 सेकेंड कुछ समथिंग है, तो बट 4 सेकेंड ही मान के चले, आप लोग मन मन में गिन सकते हैं। 4 सेकेंड जैसे ही हो जाए फिर से आप लोग को इनविजिबल आप लोग को ड्रॉप करना है। एंड यहाँ से देख सकते हैं कि अच्छा खासा वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टाउन हॉल निकल गया भाई, मोनोलिथ निकल गया, स्कैटर निकल गया एंड एक ये निकल जाता तो अच्छा रहता है मल्टी टारगेट, बट कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ से हम लोग हीरोज़ को ड्रॉप कर दिए सबसे पहले एंड थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि जो है ये हीरोज़ जो है हमारे अर्चर टावर के पास ना चले जाए। एंड यहाँ पर एक इलेक्ट्रो टाइटन हम लोग ले जाते हैं, पॉइजन नहीं लाते हैं भाई इस आर्मी में, क्योंकि भाई इलेक्ट्रो टाइटन ही काफ़ी है ओपोनेंट की सीसी को टेक डाउन करने में। एंड जैसे ही भाई यहाँ पर ये देखिए, जैसे ही यहाँ पर डाउन हो जाएगा ये मल्टी टारगेट इन्फर्नो एंड उसके बाद भाई हम लोग लावाउन को कुछ इस तरह से चालू कर देंगे भाई। तो यहाँ पर एक लावाउन को ड्रॉप किया एंड सेकेंड लावाउन को भी इधर से ड्रॉप किया, कुछ रूम्स को ड्रॉप किया भाई, पीछे से भाई ग्रैंड वार्डन को एयर पर लगा दिया। एंड भाई इस आर्मी में आप लोग को रॉयल चैम्पियन को आर्मी के साथ ही भेजना होता है, तो यहाँ से हमने भेज दिया। एंड भाई कुछ रूम्स को इधर से ड्रॉप कर रहे हैं ताकि जो है रूम्स जो है अंदर के कोर के अंदर घूमे भाई, बाहर ना चले जाए, तो इसीलिए भाई इधर से भी कुछ रूम्स को ड्रॉप किए। एंड यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी बंच में भाई रूम्स आ चुके हैं एंड यहाँ पर अब स्कैटर हिट करने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे भाई, वार्डन की एबिलिटी को टैप करेंगे, सिंपल सी बात है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं क्वीन को भी एबिलिटी लग चुकी है, तो ये अच्छी बात है। एंड पीछे से भाई क्वीन ऑफ ट्रूप्स भी आप लोग को डालते रहना है क्योंकि भाई इसमें टाइम इशू नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। तो पीछे से हम लोग क्वीन ऑफ ट्रूप्स भी डाल दिए हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं बस यहाँ पर एक मल्टी टारगेट इन्फर्नो बचा है, बट बहुत सारे जून्स हैं जो कि इजीली भाई टेक डाउन कर दिए भाई मल्टी टारगेट इन्फर्नो को। एंड पॉइजन टावर जो है लॉक हो चुका है भाई, एक हेड हंटर के ऊपर लॉक हुआ था शायद। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि आरसी की एबिलिटी प्लस अभी क्वीन की एबिलिटी भी बची हुई है एंड यहाँ पर आरसी की एबिलिटी को टैप कर दिया गया है। एंड यहाँ पर अभी जाके टॉर्नेडो निकला, तो चलो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि भाई कुछ डिफेंसेस के नाम पे कुछ भी नहीं बचा, बस एक ये कैनन बचा हुआ है एंड एक विजाटा और बचा था, तो जो कि डाउन हो चुका है। एंड अभी भी बहुत सारे रूम्स बचे हुए हैं एंड क्वीन की एबिलिटी को हमने ऐसे ही टैप कर दिया क्योंकि भाई मुझे लग रहा था कि टाइम का इशू होगा, लेकिन टाइम तो भाई बहुत ही बचा हुआ था। तो भाई बहुत ही ओपी तरीके से ये बेस ट्रिपल हो चुका है, आइए कुछ और बेसेस देखते हैं। तो भाई मैंने एक रिंग बेस को भी इंक्लूड किया है एंड यहाँ पर रिंग बेस को इसलिए रखा भाई क्योंकि भाई इसमें देखिए कि रिंग बेस में क्या ही तबाही मचा देता है भाई ये आर्मी, ठीक है। तो रिंग बेस में देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ता है, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर भाई मल्टी टारगेट इन्फर्नो है भाई, ठीक है, एंड ईगल भी है एंड मोनोलिथ भी है। तो भाई इधर से अगर हम लोग क्लैन कैस्टल के ऊपर भाई ड्रॉप करते हैं बैटल बीम को एंड वहाँ पर क्लोन कर देंगे तो यहाँ पर भाई बहुत ही अच्छा खासा वैल्यू निकल सकता है। तो यहाँ से हमने सबसे पहले कुछ रूनस एंड भाई ग्रैंड वार्डन को यूज़ करेंगे क्योंकि भाई ब्लैक एयर माइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए भाई हमने ग्रैंड वार्डन की एबिलिटी के साथ इस बार बैटल बीम को चार्ज करेंगे कुछ इस तरह से एंड
एंड भाई देख सकते हैं बैटल बीम जो है, एंड देखिए ब्लैक एयरमाइन था भाई, एंड यहाँ पर इलेक्ट्रो टाइटन निकला हुआ है। तो इलेक्ट्रो टाइटन जब भी रहे भाई ओपोनेंट की सीसी में, या तो एक कॉर्नर पे आप लोग अर्चर ड्रॉप कर दो, ठीक है, तब वो इलेक्ट्रो टाइटन ऑटोमेटिकली भाई वहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि हमने ब्लिंक को खोल दिया भाई, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्लोन स्पेल, रेजी स्पेल एंड इनविजिबल का यूज़ करते हुए, एंड यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मोनोजेट भी चला गया भाई, एंड ये देखिए भाई टाउन हॉल भी चला जाएगा, एंड यहाँ पर दोनों स्कैटर शॉट भी भाई ये गया भाई, ओके दोनों स्कैटर शॉट भी चला गया, ठीक है। एंड मल्टी टारगेट इन्फर्नो था दो को, वो भी चला गया, मोनोजेट भी चला गया, गया। बहुत ही ओपी वैल्यू मिला भाई ब्लिंक से, ठीक है। भले वार्डन की एबिलिटी हम लोग को लग गई, बट कोई दिक्कत नहीं भाई, काफ़ी अच्छा खासा वैल्यू निकल गया। एंड मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ से हम लोग ब्लिंक को सेंड करते हैं तो बंदे लोग क्या करते हैं भाई इधर ट्रैप लगा देता है, एंड टॉर्नेडो अगर निकल जाएगा तो भाई आपका ब्लिंक फेल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आप लोग क्या करना, कभी कभी थोड़ा सा इधर से ब्लिंक को सेंड करना, ठीक है, नहीं तो कभी कभी नीचे से बीच से सेंड करना भाई, ठीक है, तो उसमें भाई फंसोगे नहीं। तो आप लोग मतलब समझ लेना कि भाई यहाँ पर जैसे टॉर्नेडो ट्रैप नहीं बैठ पाएगा, तब आप लोग उधर से ब्लिंक को सेंड करने की कोशिश करें, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा, मुझे ये बेस बहुत बार मिल चुका है, तो इसीलिए भाई मैंने उधर ही से अटैक को स्टार्ट कर दिया। लेकिन आप लोग क्या करना भाई, मिडिल से भाई भेजने की कोशिश करना थोड़ा, ठीक है। एंड ब्लिंक को भाई वहीं पर क्लैन कैसल के ऊपर ही खोलना था, इस वाले बेस पे, ठीक है। तो ये बेस कॉमन बेस है, आप लोग को देखने को मिलेगा भाई लेजेंड विंग में। एंड बाकी तो भाई बहुत ही ईजी था, एंड यहाँ पर देख सकते हैं टॉर्नेडो यहाँ पर था भाई, ठीक है, क्योंकि भाई मुझे पता था ये बेस को मैंने बहुत बार क्लियर कर चुका है। तो ये देखिए भाई आराम से भाई लावा लून ही काफ़ी है, एंड बाकी के बेस को आराम से लावा लून ने ही साफ कर दिया भाई पूरे बेस को। एंड देखिए कुछ क्लीनअप प्रूफ भी हमने पीछे से ड्रॉप कर दिया, ताकि जो है क्लीनअप प्रोसेस भी भाई जल्दी से हो जाए। एंड बाकी तो हेड हंटर्स को भी ड्रॉप किया, एंड यहाँ पर ओपोनेंट की क्वीन को डाउन कर दिया भाई। एंड इधर से भाई देख सकते हैं मिनियन प्लस जाइंट वगैरह जो बचा हुआ था, क्लीनअप प्रोसेस क्लीनअप ट्रूप्स के साथ हमने यहाँ पर ड्रॉप करके ये लास्ट गोल्ड स्टोरेज बचा हुआ है, जो कि अभी भी डाउन हो जाएगा, एंड डाउन हो चुका है। एंड ये बेस देख सकते हैं कितना ओपी तरीके से भाई रिंग बेस पे काम करता है ये वाली आर्मी। तो भाई ये है लास्ट बेस, एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि डायमंड बेस है भाई, एंड इस वाले बेस पे भी बहुत ही अच्छा से काम करता है भाई लावा लून की आर्मी। एंड इसमें भाई देखिए प्लानिंग हमारा क्या था कि हमें ब्लिम को भाई उतारना है, तो ब्लिम से भाई हम लोग सोच रहे थे कि ये विजार्ड टावर जो दिख रहा होगा आप लोग को, विजार्ड टावर प्लस ये बॉम्ब टावर, तो इधर से ही हम लोग सोच रहे थे कि ड्रॉप कर दे भाई बैटल ब्लिम को, एंड इधर से भाई बहुत ही अच्छा खासा वैल्यू निकल सकता है, स्कैटर मिल जाएगा भाई, टाउन हॉल मिल जाएगा, एंड अगर ये मल्टी टारगेट भी निकल जाता है तो बहुत बढ़िया है। तो भाई सबसे पहले यहाँ पर कुछ रूम्स को हमने ड्रॉप किया, एंड पीछे से भाई बैटल ब्लिम को ड्रॉप कर दिया, एंड यहाँ पर वार्डन की एबिलिटी चार्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई बहुत ही सामने है, ब्लिम आराम से जा सकता है, एंड ना ही लावा हुंड का यूज़ किया हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले एक इनविजिबल का यूज़ किया, एंड उसके बाद भाई सेकंड इनविजिबल यूज़ करने के बाद आप लोग को दो क्लोन स्पेल का यूज़ करना था, बट यहाँ पर गलती क्या हो गया था मेरे से, दो इनविजिबल भाई गलती से गिर गया था भाई, ठीक है। तो ये गलती आप लोग को नहीं करना है, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भाई इस आर्मी में ब्लिम भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है, ब्लिम से आपको एक प्रॉपर वैल्यू निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो भाई ये अटैक स्ट्रैटेजी एकदम बेकार है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी तरह से भाई यहाँ पर स्कैटर्स मिल गए एंड टाउन हॉल मिल गया। तो उसके बाद हमने यहाँ पर हीरोज़ को ड्रॉप किया, पीछे से भाई इलेक्ट्रो टाइटन प्लस ये क्वीन को भी ड्रॉप कर दिया, एंड वॉल ओपन कर दिया भाई इधर से, एंड थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक सीसी डाउन ना हो जाए। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कि अब जो है हीरोज जो आराम से सीसी को टेक डाउन कर लेंगे, एंड सीधा भाई इधर एयर डिफेंस के कंपार्टमेंट में घुसेंगे, एंड ओपोनेंट की क्वीन को भाई आराम से टेक डाउन करेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे भाई, इधर से भाई लावा लून को चालू कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जा चुका है हमारा किंग, तो यहाँ से अब हम लोग लावा लून को चालू कर देते हैं लावा लून को, एंड यहाँ पर पीछे से वार्डन लगा दिया भाई, एंड आरसी को भी हमने इधर ही से ड्रॉप कर दिया, एंड यहाँ पर ओपोनेंट का किंग भी है भाई, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड हमारे पास चार हेड हंटर रहते हैं, तो दो किंग के ऊपर हमने यहाँ पर डालना ही भूल गया फिर से यहाँ पर। तो इस अटैक में भाई दो चीज़ मेरे से मिस्टेक हुआ, एक यहाँ पर हेड हंटर डालना थोड़ा सा भूल गया, एंड वहाँ पर दो इनविजिबल भाई एक्स्ट्रा गिर गया था भाई, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसके कारण भाई हमारी आरसी जो है बहुत ही जल्दी टेक डाउन हो चुकी है ओपोनेंट की किंग के वजह से, ठीक है, क्योंकि हमने टाइमिंग पे भाई हेड हंटर्स को ड्रॉप नहीं किया। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्नर्स पे भाई हिडन टेस्ला को रखा गया है, तो यहाँ पर बेबी ड्रैगन है, तो हमने यहाँ से ड्रॉप कर दिया, बेबी ड्रैगन आराम से टेक डाउन कर लेगा।
एंड यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी बहुत सारे लून्स बचे हुए हैं। एंड हमारे हीरोज तो मर चुके हैं भाई, बस वार्डन बचा हुआ है एंड कुछ लून्स। एंड इधर से भाई हमने पीछे से क्वीना प्रोसेस को भी डाल दिया है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं बेबी ड्रैगन जो है ये आराम से टेक डाउन कर दिया भाई स्टोरेज को, एंड क्वेश कास्टर को भी अब आराम से टेक डाउन कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अभी भी कुछ लून्स बचे हुए थे जो कि अभी डाउन हो चुके हैं। एंड अभी यहाँ पर बहुत सारे मिनियंस बचे हुए हैं एंड यहाँ पर डिग्गी भी बचा हुआ है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं ओपोनेंट का ये इनविजिबल टावर यूज़ होने के कारण यहाँ पर इनविजिबल हो गया था हमारे मिनियंस। एंड यहाँ पर आराम से भाई ये देखिए मोनोलिथ जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं एंड मिनियंस बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा लिया गया भाई। एंड बहुत ही ओपी तरीके से भाई ये बेस ट्रिपल हो गया इतने सारे गलती होने के बावजूद। तो भाई इससे आप लोग समझ सकते हैं आर्मी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, आप लोग भी इसे यूज़ करके देखें। तो भाई आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं एंड मैं मिलूंगा गाइज आप लोग को अगले वीडियो में। तब तक भी गाइज जय हिंद। Okay.